अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है एक अखनूर में, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। वरना अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 35 साल 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था, जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी, फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहिए। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये जरूरी था, क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, तकरीबन दुगनी, तकरीबन दुगनी होने वाली है, क्योंकि आबादी 75 साल में 5 गुना बढ़ गई है, तो कम से कम पार्लियामेंट भी तो दुगना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो प्रेजेंट आज का पार्लियामेंट है उसमें जगह नहीं थी, तो नया पार्लियामेंट तो बनाना ही था। तो मैं बधाई देता हूं कि नहीं, इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता। तो उसके लिए विपक्ष को चाहिए था उन्हें बधाई देना बजाय बायकॉट करने के लिए। जो लोग तुम खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। और इस विवाद के मैं बहुत खिलाफ हूं, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करे, उद्घाटन करे या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन सा विपक्ष का है, वो भी तो बीजेपी का एमपी से एमएलए से इलेक्टेड है। अगर विपक्ष को राष्ट्रपति की इतना प्रेम था तो उसके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? तो उसका मतलब है कि विपक्ष के पास दुर्भाग्य से जो मुद्दे दूसरे उठाने चाहिए थे, विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष वो मुद्दे नहीं उठाती है, सिर्फ ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे कोई पब्लिक का लेना देना नहीं। विपक्ष को वो मुद्दे उठाने चाहिए जिनका पब्लिक से संबंध है। पार्लियामेंट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करे,